नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आपके आसपास बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी, महंगी महंगी गाड़ी में चलने वाले लोग होंगे। जितने भी आसपास आपके अमीर और एकदम रईस खुद रसूखदार लोग आपको दिखते होंगे ना, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिस दिन उनकी सांसें बंद होती हैं ना, वो अपने साथ एक रुपया भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि जो कफन उनके ऊपर होता है उसको भी वो अपना नहीं पहन सकते। चार लोग मिल के पहनाते हैं, चार लोग उठा के ले जाते हैं। फिर किस चीज़ का लालच आप मन में रखकर एक ज़मीन के टुकड़े के लिए दो इंसानों की हत्या कर सकते हैं, दो बहनों का सुहाग उजाड़ सकते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य आप अंधकार में कर सकते हैं उस ज़मीन के टुकड़े के लिए, ये जानते हुए भी कि वो ज़मीन का टुकड़ा आप कहीं ले जा लेकर जा नहीं सकते। चंद नोटों की कीमत का रखने वाला वो ज़मीन का टुकड़ा इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ किशनगंज के बहादुरगंज इलाके के अलताबारी क्षेत्र के मिलनास की। एक छोटे से ज़मीन के पारिवारिक टुकड़े के विवाद में पहले शकील का मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। उस शकील के हत्या में जो चश्मदीद गवाह और जो पैरवी कर रहे थे उनके सगे साले मिलनास को इसी 28 सितंबर को हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है पता है इस भारत के लिए? सबसे बड़ी शर्म की चीज़ क्या है पता है आपके और मेरे लिए? एक 3 साल का बच्चा अपने पिता के इंसाफ के लिए हाथ में मोमबत्ती और पोस्टर लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहा है। इससे बड़ा शर्म वाला कोई घटना इस भारत में आप देखे होंगे? सबसे तकलीफ दे वाली चीज़ है कि एक 3 साल के बच्चे को मैदान में उतर कर अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। उसके हाथ में लिखा क्या है उसे ये नहीं पता। मोमबत्ती पकड़े वो इंसान क्यों खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा रहा है उस बच्चे को नहीं पता। उसे नहीं पता कि ये जो हज़ारों लोग मेरे आसपास कैमरा लेकर खड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, क्या कहता है पता है आपको? देखिए। पापा को नहीं आया पापा, अल्लाह को चले गया, अल्लाह को चले गया। और उस भी नहीं, नहीं उस भी तो हाँ करा तुम ने अंकल मुझे तो अंकल इस छोटे से बच्चे को ये भी नहीं पता कि अब उसके पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। ज़मीन का वो टुकड़ा कितनी ही जिंदगियां को सत्यानाश कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन ये भूख आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर क्यों नहीं मिटती? ये जानते हुए भी कि इस ज़मीन के टुकड़े को, इससे मिले हुए नोटों को आप केवल अपने पेट की भूख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहीं नहीं ले जाया सकते। लेकिन फिर भी हम लड़े पड़े हैं ज़मीन जायदादों में, नोटों में, इंसानियत को मार रहे हैं रोज़। इस बच्चे को इंसाफ दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले अलताबाड़ी में एक घटना घटती है। ज़मीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों के बीच में समझौता कराता है वहाँ का पंचायत। ये जो आपके स्क्रीन पे 1,000 रुपये का स्टैम्प पेपर पे आपको कुछ लिखा हुआ सा दिख रहा है, यही है इस पूरे हत्याकांड की असली जड़। एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को विवाद को लेकर एक पंचायत बैठती है। इस 1,000 रुपये के टुकड़े के ऊपर उनकी जिंदगियां लिख दी जाती हैं। एक पक्ष मुकर जाता है, शकील उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, सारे जितने भी मुमकिन ज़रूरत रास्ते हैं उस सब पर जाकर वो खटखटाता है, चलता है, हर उस दरवाजे को खटखटाता है जहाँ से उसे न्याय की उम्मीद होती है। जब लगता है कि शकील अब हावी हो जाएगा, ज़मीन हमारे हाथ से छूट जाएगी, तो सामने वाला पक्ष शकील की आवाज़ को ख़त्म कर देता है, उसकी सांसें रोक देता है। ये सारा आरोप खुद मिलनाज ने मैं मरने से पहले अपनी पुरानी वीडियो में कहा था। सुनिए मिलनाज का वो वीडियो जो चीख चीख के गवाही दे रहा है कि मिलनाज की और शकील के हत्याकांड में कौन आरोपी है। मामला ये हुआ था, सबसे पहले तो वो लोग मर्डर किया, मैं घर में था नहीं, मैं जैसे सुना तो वहाँ से आ गया घर, तो उस दिन हम पहुँच नहीं पाए। हम प्रोसेस रखे थे कि माटी मिजिल मिले आने का बाद ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा फ्लाइट 6 बजे से सवा 6 से 8 बजे तक ऊपर उड़ान में था,
मेरा मोबाइल बंद था, इसी टाइम वो लोग यानी फायदा उठा के यानी समाजी फैसला और समाज को गुमराह करके यानी फैसला कर लिया। उसके बाद मिट्टी जल्दी जल्दी करवा दिया, उसके बाद दफनाया भी उसको ऐसे जगह कि उसका लाश जल्दी गल जाए जल्द से जल्द। उसके बाद अभी जब फिर हम उसका अगले दिन पहुंचे तो वो लोग यानी कह रहे हैं कि गांव वाला उसका मामा लोग यानी हमको बोला कि जो समाज वाले जो फैसला कर दिया उसको मानिए आप, यानी आप बोलने का कोई फायदा नहीं, उस दिन तो आप थे नहीं। मैं बोले चलो आप लोग समाज वाले जब फैसला करते हैं मान लिए थे, तो वही आज कितना तारीख है 18 तारीख का टाइम था, तो उसी समाज के हिसाब से हम लोग जैसे कि आदमी सब आया यानी 3 बार वो लोग को बुलाया गया। वो लोग 6 भाई 3 भतीजा के अंदर, 5 भाई 3 भतीजा के अंदर यहाँ पे कोई नहीं आया। ऊपर से यहाँ का आदमी को वो लोग बुलाया, गांव का आदमी को, सरपंच को और क्या नाम है मेंबर को वो लोग बुलाया। वो लोग घर में जाके अपना मीटिंग फिर किया, पता क्या हुआ नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग जैसे घर से थोड़ा बाहर निकल गए तो उसके बाद वो लोग जब गांव वाला यहाँ से नहीं रहा तो उसको अपने मर्जी से यानी वो लोग नपाई कर रहा है, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जब हमको दबाव डाला तो हम उसमें भी सहमत हो गए कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग यानी ऐसे हमको मार रहा है कि ये शकील को तो मर्डर कर दिए है, तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा खालू को भी मार देंगे और आंगन में तुम बाहर चला जाओगे या यहाँ जिंदा बच गए तो तुम लोग का जो बेटा है बीबी है तुम्हारा बहन है उनका 4 बच्चे है उसका भाई को तो मारे हैं, उसका भाई को भी मार देंगे। शकील कौन लगता है आपका? वो जीजा लगेगा मेरा। जीजा लगेगा और वो सिमसन भाई लगेगा मेरा। अच्छा, उस दिन आप लोग FIR वगैरह नहीं करवाया? वो लोग जैसे फायर के मूड में हम लोग थे जैसे हाँ। वो लोग उस दिन बात को समाजी में दबा दिया। अच्छा। जैसे दबाव डाल के हम लोग के ऊपर साइन वाइन करवा लिया। पता नहीं पुलिस प्रशासन अब किस चीज का इंतजार कर रही है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सैकड़ों मैसेज, हजारों कमेंट्स मुझे मेरे सोशल मीडिया पर मिल चुके हैं, मिलनास के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन मेरा दिल उस समय रो गया जब मैंने इस 3 साल के बच्चे को हाथ में मोमबत्ती और तख्ती लिए, पेपर लिए, अपने पिता के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते देखा। कितना भी ताकतवर आपका दिल हो लेकिन एक बच्चे की इस तरह की तस्वीर आपको रुला सकती है। सोचिए उस बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उस विधवा पत्नी का क्या होगा जो अरमान लेकर मिलना से विवाह करके अपना एक घर संसार बसाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जमीन पर वो अपने घर को बसाने की बात कर रही है वही जमीन मिलनाज और शकील दोनों को निकल जाएगा। आज हम सबको इस मिलनाज और शकील के लिए आवाज़ बनकर खड़ा होना है। इन दोनों के साथ नाइंसाफी तो हुई है, हत्या, किसी इंसान को मारना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस मैंने देखी जिसमें उनकी पत्नी ये कह रही थी कि आरोपियों का ये धमकी है कि जो भी मिलनाज और शकील के लिए पैरवी करेगा हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो विनय दुबे शकील और मिलनाज की पैरवी करेगा, आप यहाँ पर गोली मारिएगा मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। इस बच्चे को इंसाफ दिलाना अब इस पूरे देश का मकसद होना चाहिए। मैं किशनगंज और बहादुरगंज के उन लोगों से, उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस बच्चे को, रोते हुए बच्चे को आप देखकर भी आपका दिल पसीसता नहीं है, उसे इंसाफ नहीं दिला सकते? मैं शनिवार किशनगंज बहादुरगंज के अल्ताबारी आ रहा हूँ, इस परिवार को मिलकर सांत्वना दूंगा, अपनी तरफ से एक छोटी धनराशि इस परिवार के भविष्य के लिए दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस परिवार को आप आवाज़ उठा सकते हैं तो सोशल मीडिया पर जितना हो सकता है मिलनाज और शकील के लिए आवाज़ उठाएं। आप अगर इस परिवार को मदद करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मदद करें। मैं तमाम बिहार के लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे आएं, इस परिवार को मदद करें। शनिवार को दोपहर मैं पहुँचूँगा इस परिवार के पास। अगर आप लोग भी इस बदनसीब बच्चे के रोते हुए आंसू को देखकर इस पर भविष्य के लिए या इस परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर, क्योंकि न्याय की लड़ाई में बहुत ज़रूरी होता है आर्थिक मजबूत होना, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। एक समय ऐसा आएगा कि लोग नाम भूल जाएंगे, मिलनाज और शकील नाम के किसी इंसान की हत्या हुई, आपके द्वारा दिया हुआ ये आर्थिक मदद इस परिवार को न्याय के लिए लड़ते हुए वो ताकत देता रहेगा जो इस परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पर इस छोटे से बच्चे के लिए
ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसके पिता का साया इसके पास नहीं है। अगर आप लोग भी इस परिवार को मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये जो स्कैन कोड है इस पे भी आप स्कैन करके आर्थिक मदद भेज सकते हैं। केवल शनिवार दोपहर 3 बजे तक ही आप ये आर्थिक मदद भेजें, क्योंकि उस समय पहुंचने के बाद आपके द्वारा भेजी गई ये तमाम धनराशि प्लस मेरी तरफ से जो मैं उन्हें करना चाहता हूँ वो सब मिला के उस छोटे से बच्चे के हाथ में मैं रखना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि बेटा हिम्मत मत हार, पूरा देश तेरे साथ है और आखिरी सांस तक लड़कर हम मिलनाज और शकील भाई को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, चाहे सामने कितनी बड़ी फौज क्यों ना खड़ी हो, मिलनाज को इंसाफ मिल के रहेगा। तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक वक्त का नाश्ता कम करिएगा, इस बच्चे को आपके सहयोग की मदद की ज़रूरत है, इस टूटे हुए परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके दिल में इंसानियत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग आगे आएंगे और इस परिवार को मदद करेंगे। मैं आ रहा हूँ अल्ताबारी, बहादुरगंज, किशनगंज, बिहार, शनिवार 2:30 बजे तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।